नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक व्यास, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। जैसे कि आप सबको विदित है कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगातार छात्रों के हित के लिए YouTube चैनल पर तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर वीडियो लेक्चर्स की सीरीज तैयार की जा रही है और इसी क्रम में अनुप्रयुक्त रसायन के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर्स में विषय रसायन में पीने योग्य पानी या जो जल है, वाटर है, उससे संबंधित लेक्चर्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पीने योग्य पानी की क्या आवश्यकताएं होती हैं और किस प्रकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो लगभग हर दूसरे साल परीक्षा में आता है। तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कि पीने योग्य पानी में क्या क्या मापदंड होने चाहिए, किस प्रकार से उन्हें पीने योग्य, किसी भी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मनुष्य जो है उसके लिए जल पीने योग्य तभी माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो या निम्नलिखित वो मापदंडों को पूर्ण करता हो। ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मापदंड है, मानक है। पहली बात, वो रंगहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए या उसमें अच्छी गंध होनी चाहिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए, वो साफ यानी स्वच्छ और पारदर्शक होना चाहिए, उसमें हानिकारक जीवाणु या विषाणु नहीं होने चाहिए, इसके अतिरिक्त उसमें हानिकारक गैसें या लवण भी नहीं होने चाहिए। जहाँ तक कठोरता का सवाल है, वो 100 से 150 ppm के मध्य होना चाहिए और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 8 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए और pH का मान लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। तो पीने योग्य पानी जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जब इन मापदंडों को पूर्ण करता है तभी वह पीने योग्य पानी कहलाता है। यानी कि स्वाद सही हो, स्वच्छ और पारदर्शक हो, विषाणु कीटाणु रहित हो, हानिकारक गैसों और लवणों से मुक्त हो, कठोरता जो हो वो सीमित हो, 100 और 150 के मध्य हो, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 8 ppm से अधिक ना हो और pH भी 7 के आसपास हो। अब पीने योग्य पानी का शुद्धिकरण या उसे पीने योग्य किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको देखेंगे। पीने योग्य जल जो कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, वो निम्न चरणों से गुजरकर पीने योग्य बनता है, जिसमें प्रथम है निथारना, जिसे डिकैंटिनेशन कहते हैं। दूसरा जो पद है या चरण है, जिसको अवसाधन या स्कंदन कहते हैं। तीसरा है छानना या फिल्ट्रेशन, और चौथा जो महत्वपूर्ण पद है वो जीवाणुनाशन या डिसइन्फेक्शन। हम पहले पद की बात करेंगे, जिसे निथारना या डिकैंटेशन कहते हैं। जल में उपस्थित छोटे कंकण, पत्थर इत्यादि को निथार कर यानी कि छान कर जल को साफ किया जाता है। इसके लिए जल को बड़े बड़े हौजों में भरकर कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है। जैसे पानी का एक बड़ा जो है बर्तन या पानी का एक बड़ा टैंक लिया जाता है और उसमें पानी को कुछ देर के लिए खड़ा रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है अथवा धीरे धीरे बहने दिया जाता है, जिससे कि अशुद्धियों के जो भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो पहले पद में निथारना होता है या डिकैंटिनेशन होता है, जो बड़े बड़े टैंकर्स में किया जाता है या बड़े बड़े हौजों में किया जाता है, जिसमें पानी स्थिर रहता है और जिसमें कि बड़ी अशुद्धियां हैं, जो बड़े पत्थर है वो नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा पद है अवसादन या स्कंदन, सेडिमेंटेशन या कोगुलेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि निथारने में जल में उपस्थित हल्के व भारी जो कण होते हैं या अशुद्धियां होती हैं वो तो दूर हो जाती है, लेकिन हल्के कण या जो कॉलोइडी अशुद्धियां हैं वो पृथक नहीं होती। इस कारण स्कंदन व अवसाधन की प्रक्रिया जो है मिश्रित प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। यानी निथारना के अंदर या डिकैंटिनेशन में बड़ी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और अगर आपको हल्की और छोटी व कॉलोइडी अशुद्धियों को दूर करना है तब आपको अवसाधन और स्कंदन की मिश्रित प्रक्रिया का उपयोग करना होगा।
इस विधि में भी बड़े बड़े हौजों में पानी में फिट करिए, जो कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का डबल साल्ट होती है, K2SO4, Al2SO4 और वाटर, और सोडियम एल्यूमिनेट या फेरस सल्फेट आदि को मिलाया जाता है स्कंदक के रूप में है। स्कंदक जल में उपस्थित हल्के स्कंदन यानी कोगुलेटर जो है, जैसे कि फिटकरी है या सोडियम एल्यूमिनेट है, जल में उपस्थित हल्के कणों को बड़े कणों में बदल देता है। हल्के कण पानी में तैरते रहते हैं तो जब वो जुड़ जाते हैं तो वो बड़े कण बन जाते हैं और फिर वो हौज के पैंदे में बैठ जाते हैं। तो देखिए अभिक्रिया क्या होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवशेप बनाता है जो कि कणों को आपस में जोड़ लेता है, या सोडियम एल्युमिनेट भी क्या बनाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवशेप बनाता है। ये जो तैरने वाली अशुद्धियां हैं उनको इकट्ठा कर लेता है, ये अशुद्धियां से जाकर चिपक जाती है और फिर नीचे बैठ जाती है। इस पानी को कुछ देर रखने के बाद निथार लिया जाता है, डिकेंटेशन कर लिया जाता है, अर्थात ऊपर का पानी जो है वो अलग कर लिया जाता है, इससे कि अशुद्धियां जो है वो क्या होती है, पृथक हो जाती है। तीसरे पद के अंदर उसके बाद में क्या होता है, छानना या फिल्ट्रेशन। उपरोक्त क्रियाओं से प्राप्त जल को साफ करने के लिए छाना जाता है, और छानने की क्रिया जो है उसमें क्या होता है कि जल को बारीक रेत और दानेदार पत्थरों से बनाए गए छानने वाले टैंक यानी कि फिल्टर टैंक में से गुजारा जाता है, और इस कार्य के लिए उच्च दाब फिल्टर, कम दाब फिल्टर या तीव्र फिल्टर इत्यादि विभिन्न प्रकार के फिल्टर प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी कि जब फिल्ट्रेशन किया जाता है तो फिल्टर बेड का उपयोग किया जाता है जो कि बारीक रेत के कणों व दानेदार कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये तीसरा पद है, और उसके पश्चात आप चौथा पद आता है जिसे जीवाणुनाशन या डिसइन्फेक्शन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण पद है, यदि आपने उपरोक्त प्रक्रियाओं से पानी को शुद्ध कर भी लिया तो भी उसमें रोगाणु कारक जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी उपस्थित होते हैं, तो उनको हटाने के लिए जीवाणुनाशन की क्रिया या डिसइन्फेक्शन का कार्य किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जल को पीने योग्य, उपरोक्त विधि से प्राप्त जो है जल वो अभी भी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवाणु और कीटाणु उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न बीमारियों के कारक होते हैं, खासतौर पर कोलेरा है, डायरिया है, इस प्रकार टाइफाइड है, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जल के द्वारा फैलती है या उत्पन्न होती है। तो इनको बीमारियों को रोकने के लिए जल का जीवाणुनाशन करना आवश्यक है। अतः जल को पीने योग्य बनाने के लिए इसमें जीवाणुनाशन पीने बनाने के लिए इसका इसमें जो कीटाणु या जो सूक्ष्म जीवी उपस्थित है उनको नष्ट किया जाता है, और नष्ट करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे आसान विधि है उबालने के लिए, जिसे हम घरों में उपयोग करते हैं। जल को करीब करीब 15 मिनट तक उबाला जाता है जिससे कि उसमें उपस्थित बीमारी कारक कीटाणु या जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु दिक्कत यह है कि उबालने की जो प्रक्रिया है वो छोटे स्तर पर या घरेलू स्तर पर की जाती है। अगर आपको म्युनिसिपल लेवल पर पानी का डिसइन्फेक्शन करना है, जीवाणुनाशन करना है, तो ये प्रक्रिया आप उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि उबालने के प्रक्रिया में काफी मात्रा में ईंधन का व्यय होता है तथा इसकी व्यवस्था करना मुश्किल है। तो उबालने की प्रक्रिया से पानी का जो जीवाणुनाशन है वो घरेलू स्तर पर या कम मात्रा के लिए किया जा सकता है, अधिक मात्रा के लिए ये संभव नहीं है। तो दूसरी जो विधि है जिसको आप बड़े स्तर पर ले सकते हैं वो है विचक चूर्ण द्वारा यानी कि ब्लीचिंग पाउडर द्वारा नगर की जल की आपूर्ति करने के लिए अच्छी विधि है। जैसे कि जनरली गांवों में या आपने एक बड़ा टैंक है तो उसका अगर आपको जीवाणुनाशन करना है तो आप एक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके लिए प्रति 100 किलो लीटर जल में 1 किलो जो विरंजक चूर्ण है यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मिलाया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस है वो मुक्त होती है जिससे कि बैक्टीरिया या जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। अभिक्रिया क्या है कि CaCl2 जो है वो पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और क्लोरीन गैस जो है वो वाटर के साथ में अभिक्रिया करके HCl और HOCl देती है, और HOCl जो है वो नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करती है, और ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये जो है विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु और कीटाणु हैं जिससे कि बीमारियां उत्पन्न होती है उनको नष्ट करता है। तो विरंजक चूर्ण जो है केवल निश्चित मात्रा में मिलाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर आप विरंजक चूर्ण मिला लोगे तो पानी का जो स्वाद है वो खराब हो जाएगा और रंग भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बड़े स्तर पर म्युनिसिपल लेवल पर किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा को सीमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि
अधिक मात्रा में लेने पर पानी का स्वाद बदलता है, तो ये इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। तीसरा जो विधि है वो क्लोरीन गैस के द्वारा, आप विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर सीधी ही क्लोरीन गैस का या लिक्विड क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं। यदि जल का पीएच 6.5 से कम है तो ये प्रभावकारी प्रक्रिया है या प्रभावकारी तरीका है। और जल को पीने योग्य बनाने के लिए या पीने योग्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उसमें 0.3 से लेकर 0.5 ppm तक क्लोरीन की मात्रा जो है वो पर्याप्त होती है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया वही है कि क्लोरीन जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और HCl देता है, और ये हाइपोक्लोरस एसिड जो HCl और ऑक्सीजन में विघटित होता है, और ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक होती है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पीने योग्य जल में मुक्त क्लोरीन की मात्रा 0.2 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह पानी के स्वाद को और रंग को जो है वो दिक्कत उत्पन्न करती है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट देखेंगे, जिसकी विधि के माध्यम से अपन जो पानी का जीवाणु नाशन कर सकते हैं, वो ओजोनीकरण के द्वारा। जल के भरे हुए टैंकों में 2 से 3 ppm तक ओजोन मिलाया जाता है, 2 से 3 ppm तक ओजोन गैस मिलाई जाती है, और ओजोन जो है वो विकटित होती है किसमें, ऑक्सीजन व नवजात ऑक्सीजन में। देखिए आपके सामने एक जो ओजोन गैस है वो विकटित हो रही है ओजोन और नवजात ऑक्सीजन में। ये जो नवजात ऑक्सीजन है यह अत्यंत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है जो बैक्टीरिया का नाश कर लेता है। सामान्यतः जो हम उपयोग में लेते हैं बोतल जो मार्केट में मिलती है पीने योग्य पानी, बिस्लरी या इस प्रकार के अन्य जो ब्रांड मिलते हैं, उनमें पानी का शुद्धिकरण जो है वो ओजोन गैस के द्वारा किया जाता है। इसका फायदा क्या है कि ये इससे सबसे अच्छा जीवाणुनाशक है, क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल से कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ये ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो अगर अधिक मात्रा में अगर आपने इसका उपयोग भी कर लिया तो इससे किसी प्रकार की हानि नहीं है, किसी प्रकार के स्वाद में परिवर्तन नहीं है, तो ये एक अच्छा जीवाणुनाशक है। परंतु ये एक कॉस्टली विधि है, एक महंगी विधि है, तो सामान्यतः आपको जो है इसका उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में किया जाता है या नगर निगम द्वारा नहीं किया जा सकता। और फिर है जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो भी जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक होता है, लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में इतना प्रभावी नहीं होता है। तो अगर आपको सूर्य अल्ट्रावायलेट प्रकाश यानी यूवी लाइट का इस्तेमाल करना है तो यूवी बल्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जो जल में उपस्थित बैक्टीरिया जीवाणु या विषाणु है जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनको जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश है या जो पैराबैंगनी प्रकाश है वो नष्ट कर देता है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जनरली जो वाटर प्यूरिफायर मार्केट में आते हैं वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश का ही इस्तेमाल करते हैं पानी के शुद्धिकरण के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है पानी को शुद्ध करने का। ये विधि महंगी है, परंतु इसका इस्तेमाल भी जो है वो किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करता, तो इस और न ही इससे कोई स्वाद बदलता है। तो कहने का मतलब है कि पानी के शुद्धिकरण के लिए अपने पास में विभिन्न विधियां हैं। सबसे सरल विधि जो है वो पानी को उबालकर है, 15 मिनट उबालकर आप पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर बड़े स्तर पर करनी है तो ब्लीचिंग पाउडर है, जो कि एक सस्ती तकनीक है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि पानी का स्वाद जो है वो थोड़ा बदल सकता है, और उसी प्रकार आप क्लोरीन गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी विधियां हैं पानी के जीवाणुनाशन के लिए वो है ओजोन गैस का उपयोग, जो कि नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है जो कि जीवाणुनाशक होता है, और दूसरा है अल्ट्रावायलेट बल्ब का इस्तेमाल यानी पैराबैंगनी प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल, जिसका भी उपयोग जो है वो कीटाणु या विषाणु को नष्ट करने में किया जाता है, और इस प्रकार जो पानी है उसे पीने योग्य बनाया जाता है। धन्यवाद।